अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायित कथमं वावसते नलोकं जयतीति तस्मै सहोवाच एतद्वै सत्यकाम परं च परं च ब्रह्मा यदोंकारः तस्मात् विद्वान् एतेनैवायतनेन एकतरमन्वेति स यदि एकमात्रमभिध्यायित स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते तं रचः मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया तपस्सा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नः महिमानमनुभवति महिमानमनुभवति अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षम् यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते अथ पुनर्यदि
विघ्नः विमात्रेण विशिष्टमोङ्कारमभिध्यायेत स्वप्नात्मके मनसि मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये संपद्यते एकाग्रतयात्मभावं गच्छति सैवं संपन्नः मृतः अन्तरिक्षमन्तरिक्षाद्धारम् द्वितीयमात्रारूपम् द्वितीयमात्रारूपैरेव यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम् सौम्यम् जन्म प्रापयन्ति तं यजूंषीत्यर्थः स तत्र विभूतिमनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं प्रति पुनरावर्तते मनुष्यलोकं प्रति पुनरावर्तते सो अकार की मात्रा से विराट की उपासना का संकेत किया है श्रुति ने। स्थूल प्रपंचाभिमानी जो चेतन है उसका प्रतीक है अकार, और अकार की प्रधानता से अकार किसका प्रतीक है इसको जानने वाले विद्वान ने जब उपासना की विराट रूप में अपने इष्ट को ध्यान किया, इष्ट का ध्यान किया, तो उसकी जो प्राप्ति बताई है वो है मनुष्यलोकम। वह इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक को प्राप्त करता है, मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, और मनुष्य हो करके उसके जीवन में तीन साधन सिद्ध होते हैं। संपन्नः शब्द है, इन तीनों साधनों से वह व्यक्ति समृद्ध होता है। साधन है तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया। श्रुति ने मानव संकेत किया है कि मानवीय जीवन में अगर ये तीनों साधन व्यक्ति धारण करे तो मनुष्य होने की जो महिमा हो सकती है, मानवीय जीवन की जो
महिमा है और हो सकती है उसको वह जीव अनुभव करता है। तो महिमानम अनुभवती ऊर्ध्वमुखी जीवन में अपने विहित धर्म का अनुष्ठान करने में जो भी शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं का सामना होता है, जो भी शारीरिक मानसिक असुविधाओं का सामना होता है उसको तप बुद्धि से सहन करना, सहन करने की बुद्धि में तत्परता रखना, सहन करने के शरीर में तैयारी करना, ये सब का सब तपस्या शब्द से कहा गया है। तपस्या की तत्परता भी चाहिए, तपस्या की तैयारी भी चाहिए और सहन करना भी चाहिए प्रसंग आने पर। प्रतिकूलताओं को जो सहन नहीं कर पाता अथवा तैयारी नहीं होती अथवा उसके लिए तत्परता नहीं होती, वह व्यक्ति अपने ही विहित का अनुष्ठान कभी नहीं कर पाता। तो जो विहित का अनुष्ठान नहीं कर पाता उसका विकास कभी नहीं होता। तो मनुष्य की महिमा तक पहुंचने के लिए जो पहला साधन बताया गया वो है तपोवृत्ति, तपस्या। दूसरा कहा गया विद्या, ब्रह्मचर्येण। ये शब्द का अभिप्राय, फलित अभिप्राय है विद्या। विद्या ग्रहण करने के लिए ही कोई गुरुकुल में जाता है और विद्या ग्रहण करने की जो विधि है तो उसमें समर्पण है, विनम्रता है, सेवा है, अनुशासन है, वीर रक्षण है, आज्ञानुवर्तन है, गुरु शुश्रूषा है। ये जो सभी चीजें हैं गुरुकुल निवास में अंतर्भूत होती हैं, एक शब्द कहने से ही इन सभी चीजों को स्मरण करना चाहिए। तो सम्यक गुरुकुल निवास का अभिप्राय फिर यही होता है। तो विनय हो, आज्ञा अनुवर्तन हो, सेवा हो, अनुशासन हो, समर्पण हो, और ये सब के सब बहिरंग उपादान हैं। इन उपादानों का लक्ष्य है विद्या ग्रहण। गुरुकुल में कोई तो और किसी प्रयोजन से नहीं जाता, गुरुकुल में जाने का एक ही प्रयोजन है, वो है विद्या ग्रहण। तो जब विद्या का आदान प्रदान होता है तब उसमें पूरी तरह से समाहित होकर के विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए। सो ब्रह्मचर्येण का अभिप्राय हुआ विद्वान होने से मानवी महिमा को प्राप्त कर लेता है, इतना अभिप्राय निकलता है। मानवी महिमा को तब तक प्राप्त नहीं कर पाता जब तक वह विद्वान न हो जाए।
तो साधारण व्यक्ति जो विद्या रहित है, कई बार उसका शरीर स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है, लेकिन उसकी महिमा क्या है? वो एक श्रमिक है, वो एक मजदूर है। स्वस्थ होने के बावजूद मनुष्य मनुष्य में ही कितना भेद है। एक का हुक्म चलता है, दूसरे को हुक्म मानना पड़ता है। तो वो भेद कहाँ से आया? देह के कारण भेद नहीं आया, विद्या के कारण भेद आया। तो जब तक विद्या न हो मानव जीवन में, तब तक मानवी महिमा को छू नहीं सकता व्यक्ति। और अगर विद्या हो तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। असल में प्राकृतिक संपदा का स्वामी वही होता है जो विद्वान है। आध्यात्मिक संपदा का भी स्वामी वही होता है जो विद्वान है। तो एटम पहले नहीं था ऐसा थोड़ो है, लेकिन विद्या के द्वारा उसकी शक्ति को देखा गया, निकाला गया। बड़ी बड़ी मशीनें बनी, विद्या के कारण ही बनी। मानव जीवन, अगर मनुष्य सारी सृष्टि में देह दृष्टि से दुर्बल होने पर भी अगर सारी सृष्टि में शासन करता है, तो वो देह बल से नहीं करता, केवल केवल विद्या बल से करता है। तो बटन दबाता है तो विध्वंस की इतनी बड़ी लीला हो सकती है। बटन दबा करके पहाड़ को ब्लास्ट कर सकता है। विद्या के बल पर उसने आकाश में यात्राएं की, वो भी एयर कंडीशन सुविधा के साथ, इतने लोगों को लेकर के इकट्ठे। तो केवल विद्या की ही महिमा है, और किसकी महिमा है? जिस समुद्र को देखने से डर लगता है, उस समुद्र में वो पूरा एक छोटा मोटा शहर लेके चलता है। बताओ, विद्या की ही महिमा है, और किस बात की महिमा है? पानी में से ऊर्जा निकाल ली, लोहे में से ऊर्जा निकाल ली। आखिर प्राकृतिक संपदाओं में से इन चीजों को निकाल के लाने का और कोई साधन नहीं है सिवाय विद्या के। तो विद्या का अभिप्राय हर तरह की विद्या लेना चाहिए। ब्रह्मचर्येण, तीसरा है श्रद्धया। श्रद्धा का अभिप्राय कल हम लोग देख रहे थे, जीवन में अधिकतम सकारात्मकता। परमात्मा है, परमात्मा सभी के ऊपर है, सभी लोग उसके संरक्षण में हैं, सभी लोगों में भलाई है, और कोई भी ऐसे अनाथ नहीं है, कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं है, और सृष्टि उन्हीं की है, इसलिए सृष्टि सुरक्षित है। हम तो इस सृष्टि में उन्हीं के कृपा से हैं, और उनकी कोई सेवा हो जाए हमारे से, और जो प्रयोजन लेकर के इस सृष्टि में हमको भेजा गया है, वो प्रयोजन हमारा पूरा होना चाहिए। लेकिन सृष्टि कैसे चलेगी? हैं, यहाँ तो सब विध्वंस ही हो रहा है, यहाँ तो सब लोग बुरे ही हैं, अथवा इस तरह की जो वृत्ति है, शायद बंद हो गया, ठीक है।
तो ये अनास्था के कारण इस तरह की वृत्तियां लोगों के मन में आती हैं। ये तो महाप्रलय भी हो तो वो भी परमात्मा के विधान के अनुसार होता है। तो सृष्टि में किसी भी प्रकार की घटना परमात्मा की विधान के परमात्मा के विधान के बिना नहीं होता, और उसमें भी मंगल होता है। जिस घटना को हम बिल्कुल प्रतिकूल समझते हैं वह भी कालांतर में मंगलमय सिद्ध हो जाती है। सो जीवन में जो सकारात्मकता है, जीवन में जो मंगल दर्शन की सामर्थ्य है, उसको श्रद्धा बोलते हैं, सामान्य श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा जब किसी व्यक्ति में होती है तो वह श्रद्धा विशेष है, और श्रद्धा जब एक मंगल दर्शन की सामर्थ्य के रूप में है तब वह श्रद्धा सामान्य है। ये समझते हो ना, सामान्य और विशेष। ऐसा श्रद्धालु सामने मंदिर आने पर प्रणाम करता है, पूछा जाए तो किस किस देवता की मूर्ति थी, बोले मुझे मालूम नहीं। फिर प्रणाम किस लिए किया, बोले मंदिर था ना तो कोई तो देवता होगा। तो ये श्रद्धा विशेष नहीं है, फिर क्या है, ये श्रद्धा सामान्य है। ये विशेष तब हो जाती है जब वो विशेष के साथ जुड़ जाती है। तो जीवन में श्रद्धा हो तो रस रहता है, जीवन में श्रद्धा हो तो हृदय विकसित होता है, हृदय खिला खिला रहता है, निराशा के आने का कोई अवसर ही नहीं है। जब मंगल देखने की सामर्थ्य हो, महाप्रलय में भी मंगल है, ऐसी सामर्थ्य से कोई अनुग्रहित हो जाए, देखो तब ऐसा जो अनुग्रहित व्यक्ति है उसके जीवन के रस को सुखाने वाला तत्व कौन होगा, कोई नहीं हो सकता। तो ये सामर्थ्य धीरे 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 किसी में होती है, जिसमें होती है महिमानं अनुभवती, वो मानवीय जीवन की महिमा का अनुभव करता है। कहते हैं महात्मा नदी में जा रहे थे नाव से, तो तूफान आया तो वो पानी नदी का ले ले करके नाव में डालने लगे। लोगों ने कहा वैसे ही डूब रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो साधु। बोलता है भगवान की मदद कर रहा हूँ। तो भगवान अगर डुबाना चाहते हैं है? तो मैं वही काम करता हूँ। फिर शांत हो गया तूफान तो पानी निकालने लगा। बोले ये क्या, हम बोले अब नहीं डुबाना चाहते तो फिर हम उसमें मदद कर रहे हैं। माने हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि डूब जाए या रह जाए, ये क्या मतलब होता है। भगवान की इच्छा क्या है वो देखना है। तो मंगल स्वरूप तो सच में परमात्मा है, वो हर जगह अगर दिखने लगे तो मंगल दर्शन तो हो ही जाएगा। वो हर जगह इसलिए दिख रहा है क्योंकि चराचर रूप में आकार का आलंबन लेकर के ध्यान तो उसी का किया ना, यही तो रहस्य आया ना, ध्यान उसी का किया। जब ध्यान उसी का किया तो परम मंगल स्वरूप हर चीज में होना ही चाहिए, हर घटना में होनी ही चाहिए। तो
ये तो संकेत है, लेकिन जो इसको जी लेता है, जो सचमुच में इन पंक्तियों को जीवन में उतार लेता है, वो तो कोई तुलसी, कोई कबीर, कोई सूर, कोई ऐसे लोग हो जाते हैं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, ये भी कह दिया। ये नहीं कि बने ही बने, ना 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 ना, बिगड़े तो भरपूर, बोले बिगड़े तो खूब बिगड़ जाए, फिर क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो सशर्त भक्ति है ना, प्रभु ऐसा ना होने पावे। और भगवान की करुणा ये है कि वो हमारे इच्छानुवर्ती होकर के चलते हैं। होना ये चाहिए कि हम उनके इच्छानुवर्ती हों, लेकिन इस भूमि तक पहुंचाने के लिए प्रभु पहले हमारी इच्छा को रखते हैं। फिर जब धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये तो गलती हो रही थी, तब फिर वो समर्पित होता है। और फिर वो शर्तें नहीं है उसके साथ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। तो महिमानम अनुभवति, मानवी महिमा को सच में हम लोग जानते भी नहीं है। मानवी महिमा अगर एक आर्टिकल लिखा जाए तो मुझे मालूम नहीं कि हम कितना लिख पाएंगे इस विषय में। हमारी क्या अवधारणा है मानवी महिमा को लेकर के, टटोलो। हो सकता है कभी ध्यान ही न दिया हो कि ऐसा भी कोई शीर्षक बन सकता है, मानव महिमा। तो हम जानते तक नहीं है कि मनुष्य की महिमा क्या है। आखिर मनुष्य ही देखा जाए तो, अगर अवतार को न समझा जाए तो, पतंजलि महर्षि मनुष्य ही थे, व्यास जी मनुष्य ही थे, भगवान शंकराचार्य मनुष्य ही थे, तुलसी मनुष्य ही थे, तुकाराम मनुष्य ही थे, ज्ञानदेव मनुष्य ही थे, त्यागराज मनुष्य ही थे, माने तो अब हम भी मनुष्य हैं और वो लोग भी मनुष्य हैं। तो चित्त वैभव जो उनका प्रकट हो गया, चित्त तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे चित्त में वो वैभव ही नहीं है। वैभव नहीं है ये कहना गलत है, चित्त में जो वैभव है वो प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी साधना हमारे पास नहीं है। तब तुलसी बिनु नाम थे, अब राम नाम है साथ। वो स्वामी जी ने लिखा, एक समय था जब मैं चार चने के लिए चटकता था, ये शब्द लिखते हैं। मंदिर पर लोग गुड़ चना चढ़ा जाते थे हनुमान जी के, तो वो बानरों से झगड़ा करते थे, बानर भी आ जाते थे और ये भी वहीं रहते थे बेचारे, तो वही भोजन था उनका। वो बोलते हैं, अब नरपति पूजत पांव, अब जो है महाराजा लोग पांव पूजते हैं, भेद क्या हुआ। तब तुलसी बिनु नाम थे, अब राम नाम है साथ। साधना नहीं है, चित्त वैभव प्रकट नहीं होता। साधना हो तो क्या नहीं हो सकता। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। बोले घास जैसा नगण्य था, लोग उस पर चलते थे। हैं, घास का मतलब क्या है? हमारी कोई कीमत नहीं थी, लोग उस पर चलते हैं, रौंद के निकल जाते हैं। लेकिन कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। तो ये तो कोई
कथा कहानी नहीं है, तो संत हुआ है उसने अपने बारे में ही ये बात कही है। और मानव समाज एक व्यक्ति के द्वारा कितना उपकृत हुआ है, अपना भला तो जो किया सो किया उन्होंने, कितना बड़ा उपकार हुआ समाज, आज तक हो रहा है। तो महिमानं अनुभवति, और साधन बिल्कुल सीधे और सुस्पष्ट है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, बस। कोई बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बताई श्रुति ने, ये भी बड़ा रोचक है कि कोई बड़ी लिस्ट नहीं है, एक पूरा चार पेज का है, लिख दिया जाए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नो, तपोवृत्ति चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बस। रॉकेट लॉन्चर की तरह उड़ा देगा। ओंकारम अभिध्यायित, स्थूल प्रपंच में परमात्मा को महसूस किया जाए, प्रपंचाभिमानी को महसूस किया जाए, उसका ध्यान किया जाए आकार का आलंबन लेकर के। ये एक एक गहरी गहरी उपासनाएं हैं। अब कहते हैं उकार का आलंबन लेकर के हिरण्यगर्भ का ध्यान किया जाए। तो प्रश्नोपनिषद में कई बार शब्दों को संगति लगाने में, शब्दों की संगति लगाने में थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ सकता है, वो पहली बार ऐसा होता है, अभ्यास पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भाव इतना ही समझना कि हिरण्यगर्भ की उपासना उकार के आधार पर की जाती है। ये लिखा यहाँ पर, अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, यदि शब्द लगाते हैं। हमारे टीकाकार लिखते हैं आनंदगिरि जी महाराज, सबसे निचली पंक्ति है उकारे, ना सबसे निचली पंक्ति उकारे संपत्ति पर्यंतम अभिध्यानम यह करोति इति वाक्यार्थ इत्यर्थ। अत्र केचित यदि इत्यादि, यह पुनः इति अत्यंतम इति अंतम स्तुति ही, किंतु उक्त फलायाकारे विश्वाभिन्न विराट उपासनम, उकारे तैजसा भिन्न हिरण्यगर्भोपासनम च विवक्षितम इति आहुः। क्या बोलते हैं, तेजसा भिन्ने, तेजस से अभिन्न जो हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना उकार के द्वारा कही जाती है। तन्मते मनः शब्देन, इस मत में मन शब्द का अर्थ क्या है, तन्मते मनः शब्देन तत्परिणाम स्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्यते। मन शब्द भी आएगा, हम श्रुति में बाद में जाएंगे, पहले इसको देख लें। आप बोलते हैं मनः शब्देन, मन शब्द से मन का ही जो परिणाम है, स्वप्न क्या है, मन का परिणाम है, तो मन का जो परिणाम है स्वप्न, उस स्वप्न के अभिमानी को सूचित किया जा रहा है। अर्थात मन शब्द से तेजस को सूचित किया जा रहा है और समष्टि में हिरण्यगर्भ को सूचित किया जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि मन शब्द से मन को सूचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि मन शब्द से हिरण्यगर्भ की सूचना है। बोलते हैं हिरण्यगर्भ उच्यते इति वक्तुम स्वप्नात्मकः
इत्यादि विशेषणानि इति बोध्यम्। दीपिकायां तु मात्राद्वयस्य मिलितस्य उपासनं मनसि संपत्तिश्च मनस एकाग्रतया चिंतनम् इति इति नह व्याख्यातम् इति नह न व्याख्यातम्। दीपिका कोई टीका है जिसमें इस तरह से व्याख्या की गई। फरहाल हम पूर्व अर्थ पर स्थिर होंगे। तो अब श्रुति को देखिए, बोलते हैं अथ यदि, अथ पुनः यदि। अथ शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया पुनः, अथ पुनः यदि। और अब फिर से यदि कोई द्विमात्रेण संपद्यते, द्विमात्रेण, द्विमात्रेण का अभिप्राय कहते हैं द्विमात्रा विभागज्ञ। पहले तो दूसरी मात्रा से किसको सूचित किया जा रहा है, दूसरी मात्रा किसका प्रतीक है, इसको कोई जानने वाला होना चाहिए। पहली शर्त उपासना में है ज्ञ, आलंबन किसका प्रतीक है, द्विमात्रा माने उकार, उकार किसका प्रतीक है, इस बात को पहले जानना चाहिए। अब जानने में यह हुआ कि हिरण्यगर्भ का प्रतीक है, तैजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ का प्रतीक है। अगर ऐसा हम जानते हैं तो अब हिरण्यगर्भ क्या है, उसका विस्तार कितना है, उसका संबंध क्या है तेजस के साथ, हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हिरण्यगर्भ के बारे में जितनी अच्छी जानकारी हो वो श्रवण से ही होगी, मनन से होगी, चिंतन से होगी। तो हिरण्यगर्भ का जो ज्ञान है, हिरण्यगर्भ के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी के कारण ही उस व्यक्ति को कहा जाएगा द्विमात्रा विभागज्ञ। अगर तो कोई हिरण्यगर्भ का केवल नाम सुना हुआ हो तो उसको हम विभागज्ञ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसका ध्यान करना है हमको, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे। अगर वो शब्दानुपाती है, अर्थ शून्य हो, विकल्प वृत्ति उठेगी, कोई शब्द कहने से अर्थ का बोध होगा ही नहीं। तो कमल शब्द से अगर एक पुष्प विशेष का ध्यान करना हो तो ये तो मालूम होना चाहिए कि वो पुष्प विशेष क्या है, तभी कमल शब्द बोलते ही वो हमारे चित्त में प्रकट हो जाएगा। तो उसका ज्ञान होना चाहिए, हिरण्यगर्भ का ज्ञान होना चाहिए। ये सब तो पहले भाष्यकार यही बोलते हैं, द्विमात्रा विभागज्ञ। क्या मतलब, द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित। दूसरी मात्रा से विशिष्ट जो प्रणव है उसका ध्यान करता है। वो कौन है, वो विशिष्ट कौन है, भाष्यकार यहां चार पांच शब्द देते हैं। पहला शब्द दिया स्वप्नात्मके, इसलिए मैंने कहा कि आरंभ में ये थोड़ा कठिन भी लग सकता है। स्वप्नात्मके द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार कैसा है, बोले स्वप्नात्मक है। उसका अर्थ अभी आपने पढ़ लिया, स्वप्नात्मक माने मन के परिणाम रूप जो स्वप्न है, उस स्वप्न का जो अभिमानी है ये, अर्थात तेजस अथवा हिरण्यगर्भ। तो द्विमात्रा का अर्थ हुआ हिरण्यगर्भ।
टीकाकार ने कहा तेजसा भिन्न, तेजस से अभिन्न जो हिरण्यगर्भ है वो स्वप्नात्मके मनसी। अब श्रुति का शब्द है मनसी, मनसी संपद्यते। ये ध्यान करने वाला मन को प्राप्त हो जाता है, मन में समाहित हो जाता है। अब मनसी का अर्थ क्या करें? बोले मनसी का अर्थ है हिरण्यगर्भ। अभी बोला मैंने मन शब्द से यहां सूचित किया गया हिरण्यगर्भ को, तो संपद्यते का अर्थ क्या होगा कि ध्यान करने वाला हिरण्यगर्भ से तादात्म्यापन्न हो जाता है, भेदाभेद संबंध से तादात्म्यापन्न हो जाता है। संपद्यते का अभिप्राय ऐसा है, भेद भी है और अभेद भी है। हिरण्यगर्भ सभी तेजसों का समष्टि है, इसलिए मुझसे भी उसका संबंध है, अंश अंशी संबंध हुआ, भेदाभेद संबंध हुआ। मैं उसी का हिस्सा हूं, उसी का हूं। लेकिन वही हूं ऐसा नहीं है, यह भी एक संबंध है ना। मैं उसी का हिस्सा हूं, उसी का अंश हूं, उसी का हूं, लेकिन मैं वही हूं, ऐसी एकात्मकता नहीं है। इसको बोलते हैं भेदाभेद संबंध। इसमें क्या अभिप्राय बना कि मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका हिस्सा हूं का अभिप्राय हुआ कि मैं उसके बिना नहीं हूं, उसी का हूं, उसी से हूं। और उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मेरे बिना उसका चल जाएगा लेकिन उसके बिना मेरा नहीं चलेगा। ये एक अंग का शरीरी के बिना नहीं चल सकता, लेकिन शरीरी का किसी एक अंग के बिना चल सकता है इस रूप में। तो यह ध्यान है, संपद्यते, मनसी संपद्यते, स्वप्नात्मके मनसी। अब ये कैसा है? बोले यह प्रभु तो मननीय है, मननीय, मनसी का अभिप्राय किया, मननीय, भजनीय इत्यर्थ, चिंतनीय इत्यर्थ, माने वहां पर हमारा मन जाना चाहिए, मन उसी में लगना चाहिए। मननीय का अभिप्राय क्या हुआ? जिस जो हमारे लिए मननीय होता है उसमें हमें हमारा मन लगाना पड़ता है। तो अगर हिरण्यगर्भ हमारा मननीय है तो मैं अपने मन का संयोग करूंगा, किससे? हिरण्यगर्भ से। हिरण्यगर्भ कह लीजिए, भगवान कह लीजिए। तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। देखो अब पुराण की भाषा बोलेंगे तो थोड़ा हृदय ग्राही हो जाएगा। मनः निवेशयेत्, यहां क्या शब्द लिखा? मननीय, एक ही बात है। यजुर्मये, तो वेद के दृष्टि से जो उकार है वो यजुर्वेद का प्रतीक है, और जो अकार है वो ऋग्वेद का प्रतीक है। प्रतीक है ये, माने अकार से वेद के संदर्भ में ऋग्वेद सूचित किया जाता है, और उकार वेद के संदर्भ में यजुर्वेद को सूचित करता है, और मकार सामवेद को सूचित करता है। तो बोलते हैं यजुर्मये। देखो सबको समेट के बोल रहे हैं, स्वप्नात्मके मनसी माने मननीय यजुर्मय, और देवता के संदर्भ में उकार देवता, हाँ? देवता के संदर्भ में उकार चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए बोलते हैं सोम दैवत्ये।
बोले महाराज ये मन जो है ये देवता के संदर्भ में चंद्रमा का प्रतीक कैसे बना? तो बोलते हैं मनसो चंद्र, हाँ चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। यह जो श्रुति है वो मन का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाती है, इसलिए ये अभिप्राय लेना चाहिए सोम सोम दैवत्ये। बना तो बोलते हैं यजुर्मय सोम दैवत्ये, ये तीसरे नंबर की टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा चंद्रमा मनसो जातः इति संबंधात् सोम लक्षणम् आह। ये थोड़ा आप अपने भी पढ़िएगा तो ज्यादा खुल जाए, माने पंक्ति लग जाएगी, संगति लग जाएगी। वैसे तो अर्थ आपको हमने बता दिया, उकार से हिरण्यगर्भ की उपासना होती है, उसमें पहली शर्त है हिरण्यगर्भ का ज्ञान होना चाहिए और उकार के आलंबन से उस हिरण्यगर्भ का ध्यान करे, और वो ध्यान का जो परिपक्व रूप है वो क्या है, तादात्म्यपन्न हो जाना। किस रूप में? भेदा भेद रूप में, अंश अंशी रूप में। ये भाष्यकार स्वयं लिखेंगे, बोलते हैं सोम दैवत्य संपद्यते, संपद्यते का अर्थ देखो, बोलते हैं एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। ये इतनी एकाग्रता बने, इतनी एकाग्रता बने कि हिरण्यगर्भ में अपनापन सिद्ध हो जाए। आत्मभावम का अर्थ क्या बोलोगे? अपनापन, आत्मीयता, वो मेरा है, मैं उसका हूं। हाँ, कैवल्य नहीं सिद्ध होगा, तैजस का हिरण्यगर्भ के साथ कभी कैवल्य सिद्ध नहीं होगा। वृक्ष का वन के साथ कभी कैवल्य सिद्ध नहीं होगा, अपनापन सिद्ध होगा, आत्मीयता सिद्ध होगी, वो मेरा है, मैं उसका हूं। तो जो उपासक है वो इस अनुभूति को सिद्ध कर लेता है कि मैं प्रभु का हूं। ये बहुत बड़ी अनुभूति है, कोई ऐसे वैसे का नहीं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अनुभूति है, इसको बोलते हैं आत्मभावम। एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति, संपद्यते का अर्थ हुआ भावम गच्छति, इस भाव में प्रवेश कर जाना। तो ध्यान के समय तो प्रवेश हुआ सो हुआ ही, फिर जागृत अवस्था में भी निरंतर हो गया जीवन में यह अनुभव कि तो तस्याहम, मैं उसका हूं। और कभी प्रभु को प्रत्यक्षवत अनुभव जब करता है तो तवाहम, पहले तस्याहम फिर तवाहम, मैं आपका हूं, तुम्हारा हूं। तुम्हारा शब्द कहने से क्या मतलब हुआ कि वह प्रत्यक्ष है, तस्य माने परोक्ष है। बट केना भी प्रकारेण इतनी बात तो सिद्ध होनी चाहिए कि आत्मभावम गच्छति। सह एवं संपन्नः, जब इस भाव से समृद्ध हो जाता है कोई साधक, उपासना के इस परिपाक को प्राप्त कर लेता है, सह एवं संपन्नः, फिर मृतः, फिर उपासना करते करते शरीर जीर्ण हो गया और प्रारब्ध पूरा होने से मरा, मर गया, तो उसकी गति क्या होगी? कतमं वावलोकं जयति इति, प्रश्न तो यही था। तो बोलते हैं कौन सा लोक प्राप्त होगा? बोलते हैं
सह अंतरिक्षम, श्रुति देखना, सह अंतरिक्षम यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम्। वह जो साधक है वो अंतरिक्ष के आधार में जो चंद्रलोक है उसको प्राप्त करता है, और उसको ले जाने वाली ऋचाएं कौन सी हैं, बोले यजुर्वेद की हैं। ये बोलते हैं सैवम संपन्नः मृतः अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मात्रा रूपैः एव यजुर्भिः। यजुर्भि क्या है, द्वितीय मात्रा रूप है, माने द्वितीय मात्रा का, द्वितीय मात्रा यजुर्वेद का प्रतीक है। द्वितीय मात्रा रूपैः एव यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम्। ये सोमलोक अंतरिक्ष का आधार है, अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम सोमलोकम उन्नीयते सौम्यम, सौम्यम जन्म प्रापयति तम यजुंसि इत्यर्थः। ये जो यजुर्वेद है वो उसको सोमलोक में ले जा करके उसको जन्म देती है। पता चला कि उस लोक विशेष में उसकी गति हो गई, माने चंद्रलोक की प्राप्ति हुई। दूसरी भाषा में कहें तो पितृलोक की प्राप्ति हुई। वहां से सतत्र विभूतिम अनुभूय, वो वहां पर विभूति का अनुभव करके सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, फिर मनुष्य लोक में वापस आता है, क्योंकि सोमलोक पुनरावर्ती लोक माना गया है, चंद्रलोक पुनरावर्ती लोक माना गया है। ये मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते। सो इस प्रकार से अकार की उपासना और उकार की उपासना का स्वरूप बताया। अकार भी आलंबन है और उकार भी आलंबन है। अब मकार की उपासना, वो कहते हैं मकार की उपासना से तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, और वह लोक ऐसा है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता है। तो यहां सूर्य लोक शब्द से आप समझ पाओगे ब्रह्मलोक कहा गया है। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अविध्यायित। अब इसका अनुवाद मात्र मैं कर रहा हूं, आके फिर भाष्य देखेंगे। बोलते हैं फिर यह पुनः जो दूसरा साधक है, एतम परम पुरुषम, इस परम पुरुष को त्रिमात्रेण ने तीसरी मात्रा से ध्यान करता है, तीसरी मात्रा का आलंबन लेकर के ध्यान करता है। स तेजसी सूर्य संपन्ना, वह तेजस रूप सूर्य में संपन्न होता है, माने सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस लोक की प्राप्ति में स्थिति क्या बनी, बोले यथा पादोदरह त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे सांप जीर्ण शीर्ण मैली त्वचा को, केंचुल को है ना, छोड़ देता है, वैसे ही यह उपासक अपनी सारी मलिनताओं को इस उपासना के बल पे छोड़ देता है। यथा पादोदरह त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवई, ठीक इसी तरह से सपाप मना विनिर्मुक्त, यह जो साधक है अपनी हर तरह की मलिनता से विनिर्मुक्त हो करके ससाम भी ही, क्योंकि मकार जो है वो सामवेद का प्रतीक है, तो वह सामवेद की ऋचाओं के द्वारा
उन्नीयते नीयते ले जाया जाता है, ऊपर की ओर ले जाया जाता है। कहाँ? ब्रह्मलोकम। ये ब्रह्मलोक की स्थिति क्या है? अब देखो, ये है हिरण्यगर्भ ईश्वर वाला। कैसे बोलते हैं? स एतस्मात्, ये बहुत सुंदर शब्द श्रुति में आया, स एतस्मात् जीव घनात्। ये कैसा है? जीव घन है। जीव घन है का अभिप्राय है सारे जीवों से संलग्न होने के नाते, सारे जीवों का जीवन होने के नाते, सारे जीवों का अंतर्यामी होने के नाते हिरण्यगर्भ को जीव घन बोलते हैं। जैसे आनंद घन होता है वैसे ही जीव घन बोलते हैं। स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरीशयम् पुरुषम् ईक्षते। तो फिर वो इसी उपासना से साधक उस जीव घन को देखता है, परम पुरुष को देखता है। इसके दो अर्थ की भाष्यकार ने, एक तो हिरण्यगर्भ को ही परम पुरुष कहा गया, और फिर बोलते हैं कि प्रणव के द्वारा चूंकि परब्रह्म को भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अंतिम पंक्ति परब्रह्म विषयक है। परात् परम पुरीशयम् पुरुषम् ईक्षते तद् एतौ श्लोकौ भवतः। इस संदर्भ में फिर आगे दो श्लोक बोलते हैं, आगे लौटने पर उसको देखते हैं। ओ नारायण। हरि ओम।